जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम एवं राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एवं इंडिया के नंबर वन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी सेल यूट्यूब चैनल आरएस प्रॉपर्टीज़ इंडिया में। जैसा कि आप जानते हैं, आरएस प्रॉपर्टीज़ प्रत्येक प्रकार की प्रॉपर्टीज़, आपका घर, मकान, प्लॉट, खेत, सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को खरीदने का, बेचने का एवं रेंट पर उपलब्ध कराने का काम बखूबी करता है। आपने अभी तक आरएस प्रॉपर्टीज़ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र अति शीघ्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जिसकी हम ज़मीन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप एड्रेस नोट करिएगा, इस ज़मीन का जो एड्रेस रहेगा वो आपका रहेगा ग्राम कंचौसी, ज़मीन से 1.5, जी हाँ 1.5 किलोमीटर के कुल डिस्टेंस पर। आगे बात करें इसकी तहसील की, तो तहसील जो रहेगी वो आपकी औरैया रहेगी, ज़मीन से 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। और जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वह भी आपका औरैया डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा। यहाँ पर बात करें प्रदेश की, तो ये ज़मीन प्रॉपर उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगी। और आगे बात कर लेते हैं, इस ज़मीन का जो बॉर्डर है वो कानपुर देहात के बॉर्डर से लगा हुआ है। जी हाँ, औरैया और कानपुर देहात के बॉर्डर से लगी हुई ये भूमि है। आप रास्ता भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है रास्ता, करीबन 15 से 20 फीट का यहाँ चौड़ा रास्ता आपको मिल जाएगा, ये जो किसी भी ज़मीन के लिए काफ़ी बेटर रहता है। लगभग 15 फीट का रास्ता तो यहाँ आप देख ही सकते हैं। अच्छा चलिए आगे बात कर लेते हैं, ज़मीन का जो कुल आकार है, देखिए ज़मीन का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ लगभग 140 बीघा भूमि, जी हाँ 140 बीघा भूमि आपको यहाँ मिल जाएगी, जो काफ़ी बेटर है किसी भी भाई बंधु के ख़रीदने के लिए। ज़मीन काफ़ी बढ़िया है, कीमत तो इसकी काफ़ी कम रहेगी और इससे बेटर भूमि आपको आसानी से नहीं मिलेगी। तो बात करें, देखिए इसमें जो फसल क्या क्या हो सकती है, तो देखिए फसल में आप यहाँ धान आपका, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कितना बेहतर धान इस भूमि में लगा हुआ है। और आप दूर तक देख सकते हैं यहाँ कि ढेर सारे पौधे, आम के पेड़ भी कुछ लगे हुए हैं। ज़मीन काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बेटर है, और धान देख सकते हैं आप कितना बेटर धान यहाँ पर हुआ है। जी हाँ, आप नज़दीक से भी धान देख सकते हैं, ये काफ़ी बेटर धान की खेती यहाँ हो रखी है। और चलिए आगे बात करते हैं इसमें होने वाली अन्य फसलों के बारे में। तो देखिए इस ज़मीन पर आपका गेहूं हो सकता है, बाजरा, मक्का जैसी ढेर सारी फसलें, जहाँ तक हो सकता है लगभग सभी फसलें आप इस भूमि पर कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, देखिए ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो करीबन आपका 60 फीट या 60 फीट का यहाँ रहेगा। और एक अच्छी बात यहाँ ये रहेगी कि ज़मीन के पास से ही एक छोटी सी नहर हाँ गुजरती है, जिससे आपको सिंचाई के साधन में किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ नहीं फेस करनी पड़ेगी। सबसे बेटर बात, नहर से लगी हुई भूमि है जो पास में लगी है। और हाँ, पास ही में आपका एक समरसेबल लगा हुआ है, जिसके द्वारा यहाँ जो ज़मीन मालिक हैं वो सिंचाई करते हैं। अगर आप अपना समरसेबल लगाना चाहते हैं तो लाइट्स यहाँ प्रॉपर अवेलेबल है, आप अपने समरसेबल भी यहाँ लगा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, आरएस प्रॉपर्टीज़ गरीब लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। अगर आप समृद्ध हैं, गरीबों की सहायता अगर करना चाहते हैं तो आप हमारा थोड़ा सहयोग भी कर सकते हैं गरीब लोगों की सहायता के लिए। तो देखिए आप इस अकाउंट नंबर 3111500150268459, जिसका IFSC कोड रहेगा PUNB03111000, जी हाँ हम सभी समृद्ध लोग गरीबों की सहायता के लिए थोड़ा सहयोग तो हमेशा ही कर सकते हैं। हम ज़्यादा की डिमांड नहीं करते हैं, आप जितना हो सके अपनी श्रद्धा से इस नंबर पर डोनेट कर सकते हैं। आरएस प्रॉपर्टीज़ आगे लोगों की मदद के लिए लगातार काम करता है और आगे भी करता रहेगा, तो हम चाहते हैं आप लोग भी हमारा थोड़ा सा सहयोग यहाँ पर करें। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ज़मीन पर लाइट्स आप जैसा सामने देख भी पा रहे होंगे, ये हाई टेंशन के तार्स अवेलेबल हैं यहाँ, जो लाइट्स गई हुई है ये आपकी ज़मीन के ऊपर से गुजरे हुए तार हैं, ठीक है। और पास ही में आपको लो वोल्टेज लाइट जो आपकी समरसेबल के लिए ज़रूरी है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। बात करें देखिए मार्केट की, ज़मीन के पास में जो पहला और सबसे बेटर मार्केट है, बड़ा मार्केट, वो आपका कंचौसी रहेगा।
जी हाँ, कंचौसी जो मार्केट है वो काफ़ी बढ़िया मार्केट है, काफ़ी बेटर मार्केट है, और इस लोकेशन में आपको ये मार्केट मिल जाता है करीबन 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। आप ज़रूरत का प्रत्येक सामान कंचौसी मार्केट से ख़रीद सकते हैं। जी हाँ, एवं अपनी अगर फसल भी यहाँ सेल करना चाहें तो यहाँ मंडी में सेल कर सकते हैं। बात करें देखिए मालिक के मोबाइल नंबर के बारे में, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ नोट कर सकते हैं 9411992035। जी हाँ, आप औरैया डिस्ट्रिक्ट में सस्ती ज़मीन ख़रीदने के इच्छुक हैं तो आप नंबर नोट कर सकते हैं, इसका नंबर रहेगा यहाँ पर 9411992035। जी हाँ, आप इनसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं देखिए सुविधाओं के बारे में, यहाँ आपको ढेर सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जी हाँ, प्रॉपर आपका एक बड़ा मार्केट जो है कंचौसी, आपको काफ़ी बड़ा मार्केट यहाँ मिल जाएगा, जहाँ कॉलेज, स्कूल, बस स्टॉप, पेट्रोल पंप जैसी सारी सुविधाएं आपको इस लोकेशन पर मिलने वाली हैं। जी हाँ, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है ये, और ऐसी लोकेशंस आपको बार बार बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। आगे बात करें देखिए कीमत के बारे में, ज़मीन की जो कीमत है वो मात्र 2.5 लाख रुपए प्रति बीघा। जी हाँ, 2.5 लाख रुपए प्रति बीघा की कीमत आपको यहाँ देनी पड़ेगी, जो काफ़ी बेटर रहेगा किसी भी व्यक्ति के लिए। बात करें बस स्टैंड की, तो कंचौसी आपका प्रॉपर मार्केट है, जहाँ आपका बस स्टैंड अवेलेबल है। बात करें रेलवे स्टेशन की, तो वो भी आपका कंचौसी रहेगा 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। बात करें देखिए धार्मिक लोगों की, तो 95% यहाँ आबादी हिंदू रहेगी, बाकी का जाति विशेष में आप यहाँ बात करें तो ब्राह्मण, यादव, हरिजन, हाँ जी हाँ, लगभग सभी धार्मिक एवं जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं, और हिंदू आबादी 95% यहाँ रहेगी। ज़मीन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेटर लोकेशन पर है, तो आपको ऐसी ज़मीनें बेहद कम देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में लगभग हमने कंप्लीट जानकारी दी है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप अपनी ज़मीन का ऐड कराना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर 9412874462, जी हाँ, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी ज़मीन का ऐड फ्री में करा सकते हैं। जी हाँ, आपसे ऐड का किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज RS प्रॉपर्टीज़ के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो जो भी भाई अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र RS प्रॉपर्टीज़ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपनों का बेहद ध्यान रखें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें, और दूसरों का जहाँ तक हो सहयोग करें। और गरीबों की मदद के लिए आप अगर डोनेट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर डोनेट करें, एवं किसी भी गरीब की सहायता अगर आप RS प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। RS प्रॉपर्टीज़ प्रत्येक गरीब असहाय व्यक्ति की मदद के लिए हमेशा आगे खड़ा हुआ है। जी नमस्कार।